गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो व्लॉग है ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने अपना व्लॉग एंड किया था और आपको अपनी प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई दिखाई थी। तो उस कढ़ाई में आज मैं सूजी का हलवा सबसे पहले मीठा बना रही हूँ। तो सूजी जो है इसी मंथ आई है, ख़त्म हो गई थी पिछले मंथ वाली, तो उसको मैंने रिफिल कर लिया है डब्बे में और हाफ कटोरी सूजी निकाल ली है। और आज मैं अपनी नई कढ़ाई में सूजी का हलवा बनाऊंगी। और नवरात्रि चल रहे हैं तो जय माता दी, मैं माता रानी को आज सूजी का हलवा चढ़ाऊंगी। और जब भी कोई घर में नया बर्तन आता है तो उसमें मीठा ही बनाना चाहिए और मैं अक्सर मीठा ही बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपको मेरी छोटी सी कढ़ाई पसंद आई। और कुछ एक है मेरे, एक मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, वो बोलते हैं कि आप कोई भी चीज़ लेती हो तो ये जरूर बोलती हो कि कैसी है बताना, कैसी है बताना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग कुछ बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं पूछती रहती हूँ। तो फटाफट मैं सूजी का हलवा बना ले रही हूँ। और इस दिन मैंने सिर्फ अपना ये जो भी ये कढ़ाई में जो भी बनाया था ये हलवा उतना सा ही सूट किया है और आगे सूट नहीं किया था, बस इतना हिस्सा ही किया था। क्योंकि मैंने जब ये कढ़ाई ली ही है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को साथ शेयर किया जाए कि मैं पहली बार इसमें क्या बना रही हूँ। और ये कढ़ाई खासकर मैंने तलने के लिए, जैसे पूरी वगैरह है इनको तलने के लिए ली है। और कोई थोड़ी सी सब्जी अगर बनानी हो कोई भी, खासकर तो जो ग्रीन सब्जियां आती हैं पत्ता वाली, वो बनाने के लिए ली है। और अच्छा, इसमें छोटी सी कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। तो बातों ही बातों में हलवा हमारा बन गया है और इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, थोड़ा सा ऊपर से घी भी डालूंगी और फिर इसको माता रानी को चढ़ाऊंगी। तो ये देखिए रेडी है। तो ये हमारी माता रानी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकार में। और आज है वेडनेसडे और आज है गांधी जयंती। तो आज छुट्टी थी आद्या की और हस्बैंड गए हैं स्कूल क्योंकि उनको करना है झंडारोहण। तो झंडारोहण करने के बाद आएंगे और आज वो जल्दी आ जाएंगे, करीब 11:30 बजे तक आ जाएंगे। और आज मेरे आ रहे हैं पापा आद्या से मिलने, हमसे मिलने। हाँ, शायद एक दिन के लिए ही आएंगे लेकिन वो आ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। दुकानदार जो होते हैं उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो मेरे पापा हैं जो दुकानदार हैं उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए वो टाइम निकाल के आ रहे हैं मिलने। और यहाँ पे आद्या लेटी है। पूजा करने के बाद आद्या ने भी टीका लगाया है, मैंने भी लगाया है। और अभी तैयारी कर रहे हैं लंच की। तो अभी तैयारी करने जा रही हूँ मैं लंच की, करीब 10 बज रहे हैं। और आलू उबाल लिए हैं और घुया उबाल ली है, अरबी जिसे कहते हैं। और खीर बनाने के लिए दूध रख दिया है, चावल को भिगो के रख दिया है। तो फटाफट आज बनाएंगे हम आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि प्याज तो डलना है नहीं इसलिए। और अरबी का मैं भरता जैसा कुछ बनाऊँगी फ्राई करके, और बनाऊँगी खीर और पूरी और आलू पूरी भी बनाऊंगी जिसमें आटे में आलू को गूंद के बनाते हैं। तो चलिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये फटाफट से मुझे लंच पूरा तैयार करना है। चलें गाइस, मैंने यहाँ पे आलू और घुया को उबाल के रख लिया था और एक तरफ गैस पे दूध रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है खीर। तो यहाँ पे मैं अरबी को छील लेती हूँ और उसके बाद फिर आलू को भी छील लूंगी। तो आज आप लोगों से मुझे एक बात भी कहनी है, क्योंकि कल वाले वीडियोज में मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं जो मुझे काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी हर्ट हुई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो चलिए मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। तो यहाँ पे ये दूध है वो भी उबल चुका है, तो साथ ही साथ मैं इसमें चावल भी डाल दूंगी जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे। और बस इसको डालने के बाद चला दूंगी और इसको दूसरी वाली गैस पे ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि इस वाली गैस पे मुझे आलू और टमाटर की सब्जी को छौंकना है। तो बात करते हैं आलू की। तो ये मैं आज आलू की पूड़ियाँ भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आलू की पूड़ियाँ, आलू के साथ में मार लूँ आटे को तो कचौड़ी जैसी पूड़ियाँ ही बनती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इस तरीके से बनाने से पूड़ियाँ ना, जो कचौड़ियाँ हैं ना आलू वाली, वो क्रिस्पी होती हैं। तो इसमें आलू ले लिए हैं मैंने और उसमें आटा डाल लिया है, गेहूँ का आटा है, अजवाइन, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा गर्म मसाला, ये सारी चीज़ें डाली हैं मैंने, और नमक, हींग, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे। आलू में इतना लस होता है कि आटे को
मतलब बांध देती हैं, लेकिन थोड़ा पानी तब भी लगता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल किया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। और उसके बाद मैंने सादा आटा का सादा पुओं का भी आटा गूंथ के तैयार करके रख लिया था। तो मैं बात कर रही थी आपसे अपने कल वाले वीडियो के कमेंट के बारे में। तो डियर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आलूओं को लेकर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया है कि आप सिर्फ आलू खाते हो, आलू के अलावा कुछ नहीं खाते हो, आलू बनाना आता है और बस आलू आलू आलू। तो मैं यहाँ पे खीर हमारी जो बन चुकी है, चीनी डाल रही हूँ, मखाने डाल दिए हैं, तो खीर हमारी रेडी हो चुकी है। तो आज मैं फिर आलू ही बना रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसीलिए आपसे मैं कह रही हूँ कि आलू जो है मतलब अक्सर सबके घर में ही आता होगा, और क्या बुराई है आलू में। हाँ, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा। आज मैं आपको एक यहाँ पर एक छोटी सी एक कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी कह के सुनाना चाहती हूँ आपको। तो क्या हुआ कि एक बहुत एक ब्राह्मण का घर था और उस ब्राह्मण की दो बहुएं थी। तो उन्होंने कहा कि घर में मेहमान आने वाले हैं और आपको उनके लिए नाश्ता बना के तैयार करना, नाश्ता खाना मतलब सब कुछ बना के तैयार करना, पूरा लंच बना के तैयार करना है। तो घर पे सिर्फ आलू थे और उसके पास मतलब कोई सब्जी नहीं थी। तो दोनों लोगों ने सोचा, क्या एक ने सिर्फ एक आलू की सब्जी बना के तैयार कर दी और एक ने क्या किया, आलू के पापड़, आलू की सब्जी, आलू का हलवा, आलू की पूड़ी, आलू और आलू की कचौड़ियाँ, मतलब आलू से रिलेटेड बहुत सारे आइटम उसने बना के तैयार कर लिए। तो ये देखकर ना मेहमान भी खुश हो जाते हैं और ससुर जी भी उनके खुश हो गए थे और एक बहू ने सिर्फ आलू ही बनाया। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि आलू का कितना महत्व है, एक आलू से ही आप कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। ऐसी और कोई ग्रीन सब्जी नहीं है, मतलब और कोई सब्जी ऐसी नहीं है जिसे एक ही सब्जी से बहुत सारी चीजें बन सके, लेकिन आलू से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो आलू बेकार नहीं होता है और हाँ, आलू में इतनी बुराई नहीं होती जितनी कल के वीडियो में आप लोगों ने निकाल ली है। तो बस मुझे इतना ही कहना था आपसे कि किसी को इतना हर्ट ना करे। तो चलिए यहाँ पे बात को खत्म करते हैं। और यहाँ पे इतनी छोटी वाली कढ़ाई में मैं बना रही हूँ अरबी, जो कि मैंने सरसों के ऑयल में हींग और तो क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ बार बार, अजवाइन, यस मैंने हींग और अजवाइन डाल दी है और मसाले ऐड कर दिए हैं बेसिक, और हरी मिर्ची धनिया डालकर मिक्स करके ये देखिए आलू का भरते जैसी सब्जी हमारी बनके तैयार होती है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी और खासकर पूड़ियों के साथ में तो और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये आलू टमाटर की सब्जी है वो भी बनके तैयार हो चुकी है। तो हमारी दोनों सब्जी, खीर और डो लग के तैयार है और बस पूड़ियाँ बनाने की बारी है। तो बस मैं पूड़ियाँ सेकने को रह गई हैं और रायता बनाने को रह गया है, और लेकिन रायता बनाने के लिए दही है वो घर पे है नहीं, और मैंने इनको फ़ोन किया है कि आप वापस आते टाइम पे दही लेते हुए आना। शायद ये पापा को लेकर ही आए क्योंकि पापा बस आने ही वाले हैं और 11:30 बज चुके हैं। हो सकता है ये लेते हुए ही आए, हो सकता है ये पहले आ जाए दही लेकर, उसके बाद फिर पापा को रिसीव करने जाए। तो मुझे अभी बूंदी का रायता बनाना है और पूड़ियाँ सेकनी है, बस ये दो काम रह गए हैं। तो गर्म पूड़ियाँ तो गर्मा गर्म ही सेकूंगी और बूंदी का रायता हाल ही बना दूंगी, मतलब तुरंत का तुरंत बना दूंगी। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर बैठ गई हूँ सारा काम करने के बाद। आद्या को दूध पीना था तो दूध ले लिया है, बॉटल से ही पीती है, वो नहीं मानती है, कोशिश कर रहती है मेरी लेकिन वो नहीं मानती है। और आज आद्या का मैंने एक ये वाला पिलो तो है, ये वाला तो ऐसे ही लगाती है, एक वो दिल वाला जो पिलो है वो यहाँ पर लगाती है, तो वही लगाती है सर के नीचे। तो वो तो बीच में फ़ोन आ गया था इनका और वही बात हुई, ये बस स्टैंड पे खड़े हैं पापा का वेट कर रहे हैं क्योंकि पापा आने ही वाले हैं, जस्ट बोल रहे कि मैं लेकर ही आऊँगा साथ में। और मतलब मैं क्या बात कर रही थी वो बताती हूँ, यहाँ पे पिलो जो लगाती है आद्या, वो दिल जैसा जो बना था वो मैं 2-3 दिन से मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं धुलूँगी उसको, तो आज मैंने उसको फाइनली धुल दिया है, हाथ से ही धुला है उसको। क्योंकि उसका जो वॉशिंग मशीन में मैंने एक बार डाला था तो उसकी सारी रुई ना इकट्ठी हो गई थी, फिर मुझे सही करना पड़ा था। तो मैं बस उस पर सर्फ एक्सेल डाल देती हूँ और कुछ मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं ब्रश लगाकर उसको अच्छे से धुलकर निचोड़कर बाहर डाल दिया है। अब उसको सूखने में लग रहा है थोड़ा टाइम, लेकिन अब आद्या क्या करे, ऐसी बोतल लेकर पूरे घर में घूम रही है ये देखो, और ये देखो दीवार पे ये चौक से बनाया है। क्यों आद्या, गंदी बात है ना, आते ही दीवारें खराब करने लगे है ना। आइसक्रीम या आइसक्रीम बनी है हाँ।
ये गंदी बात होती है, अब इसको साफ करना पड़ेगा मुझे। तो क्या है कि वो रो रही है, अब ऐसी दूध लिए घूमती रहेगी आध्या ना, इसके बिना तो रह नहीं सकती है, तकिए के बिना है तकिया, अपना वही तकिया, और कोई भी पिलो नहीं लगा सकती है। तो मना रही हूँ मैं इतनी देर से कि मान जाओ, लेकिन नहीं, अब गीला तकिया, बोले मुझे गीले ही दे दो, मैं गीला लगा लूंगी। गीला लगा लोगे? गीला लगा लोगे? अब मैं गोदी में सुला लूंगा, आ जाओ गोदी में सो जाओगे, गोदी में भी नहीं सोगे, आ जाओ। क्या हुआ? तकिया। गोदी में नहीं सो गए? गोदी में सो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जा मेरी गुड़िया रानी, आ जा मेरी गुड़िया रानी। नहीं आऊंगी। मेरे पापा है वो आ चुके हैं, ये है मेरे पापा और मेरे पतिदेव खड़े हुए हैं, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है, मोबाइल लगाए हैं आकर और कुछ मोबाइल में मतलब देख रहे हैं, और ये मेरे पापा हैं। आद्या बहुत खुश है अपने नाना से मिलकर देखकर, और मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया है, और उसके बाद मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में पूड़ियाँ सेकने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका था। तो मैंने यहाँ पापड़ को फोड़ करके रखा है, और पापड़ में सेकूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पापड़ के बिना थाली अधूरी होती है, जो पूरी वेस्ट थाली जो बनती है वो अधूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने पापड़ भी निकाल लिए हैं, और आलू की पूड़ियाँ भी सेकूंगी, और सादे वाले आटे की भी पूड़ियाँ सेकूंगी। तो आलू की ये पापड़ भी निकाल लूंगी, और आलू और सादा वाली पूड़ी दोनों बनाकर तैयार करूंगी और थाली लगा लूंगी। और रायता हमने नहीं बनाया था, क्योंकि फिर दही नहीं मिला था उनको, और पापा बोले कि रहने दो रायता मत बनाओ, खीर है खीर के साथ में फिर रायता दही भी और दूध एक साथ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मना भी कर दिया। फिर हम लोग मतलब ये ज्यादा दूर लेने नहीं गए थे। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा के तैयार कर दी है, सब पापा की और हस्बैंड जी की, दोनों लोगों को मैंने पहले खाना खिला लूंगी, फिर मैं खाऊंगी। आध्या को मैं पहले ही खिला चुकी हूँ, क्योंकि खाना बनते ही मैं आध्या के लिए पूड़ी बनाकर तुरंत खिला देती हूँ, क्योंकि उसको तो भूख लगती है, उसको तो उसको खाना, उसको भी खाना खिला दी। खाना खाने के बाद पापा को कहीं जाना था, किसी काम से भी आए थे, साथ में हमसे भी मिलने आए थे, और तो पापा खाना वाना खाने के बाद अपने काम से निकल गए थे, और फिर देर रात में ही आए थे, करीब 10:30 बजे करीब आए थे, 9:30 बजे करीब आए थे। और 9:30 बजे आने के बाद बस फिर क्या था, हमने खाना दाल रोटी चावल बना के रखा था, वो खाया था, और फिर आराम से सोए थे, बस सारी बातें की थी, वीडियो कब शूट किया था हमने उनके साथ। और आध्या का ये टेंट हाउस है, जो कि बहुत आध्या को अच्छा लगता है, और काफी दिन से रखा हुआ था, जब ये आया था, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तब ये आया हुआ था, और जब ये आया था टेंट हाउस तो तभी मैंने आध्या के लिए लगा दिया था, पर गर्मी थी, गर्मी में इसको बहुत गर्मी लगती थी इसके अंदर, तो बंद करके रख दिया था। बट अब सर्दी है, अब नहीं मतलब गर्मी है तो गर्मी नहीं लगेगी, तो इसलिए वो बोल रही थी काफी दिन से लगा दो। तो रात को 10:30 बजे खाना ना खाने के बाद जब मेरे हस्बैंड फ्री हुए तो उन्होंने ये खोल के लगा दिया इसके लिए। तो इसमें मैंने एक गद्दा डाल दिया है, आधे इसके अंदर बाबा जाएगी आएगी निकलेगी, उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत खुश है, हर बात पे ये बोलती है, मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, नानू आए मेरे, और मेरा टेंट वाला घर बन गया है, और मैं इस वाले टेंट वाले घर में वो क्या बोलते हैं गद्दा एक है वो लगा दूंगी, जो कि कंप्लीट हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो पापा मेरे लाए थे आध्या के लिए सूज, कैंपस के सूज है ये, और आध्या के ड्रेस के लिए सूज हमको लेने थे। तो पापा आ ही रहे थे, हमारी जो मायके में शॉप है वो फुटवियर की है, भाई का शोरूम भी है, पापा की शॉप भी है, तो
पापा से बोल दिया, पापा ये लेकर आ गए थे ब्लैक कलर के शूज, काफी अच्छे कैंपस हैं, कंपनी उसके हैं और काफी टाइम चलेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं और बड़े प्यारे और सुंदर से लग रहे हैं। तो मैं सुबह अध्याय को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ, तो मैं उसकी जूते निकाल रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मैं अब ये अध्याय को पहनाऊंगी और अध्याय को ड्रेस वगैरह पहनाकर स्कूल के लिए रेडी करूंगी। और नाश्ता वगैरह है वो बना चुकी हूँ मैं, पापा मेरे नाश्ता कर चुके हैं, हस्बैंड भी कर चुके हैं, आद्या भी कर चुकी है नाश्ता, और आद्या का टिफिन वगैरह सब कुछ लग गया है। तो अब आद्या जाएगी स्कूल पढ़ने। आद्या रो रही थी कि मम्मी नहीं जाऊंगी, नानू चले जाएंगे, बट मैंने बोला कि जाओ बेटा नहीं जाएंगे नानू, झूठ बोल दिया मैंने उससे। तो अध्याप नहीं जा नहीं रही, तो मैं गई थी उसको साथ में छोड़ने, और उसको छोड़ने के बाद फिर मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जा रहे हैं, पापा मुझे। तो फाइनली पापा जो है वो चले गए हैं, मतलब घर के लिए निकल गए हैं, वापस आए थे कुछ इम्पोर्टेंट काम से। तो काम वगैरह होने के बाद और हमसे मिलने के बाद पापा चले गए हैं। ज़्यादा उनको नहीं लिया मैंने कैमरे में, क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम ज़्यादा, मतलब ये रहा कि मैंने ब्लॉगिंग कम की जब वो, जब तक वो थे वो, इसलिए कि फिर साथ में हम लोगों ने बैठ के बात वगैरह की, फिर मैंने कैमरा नहीं लगाया। हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे या नहीं, तो बस थोड़ा थोड़ी सी क्लिप जरा जरा सी ले ली, बस इतना कि हाँ पापा आए थे। और आदे बहुत रो रही थी स्कूल जाने के टाइम पे, बोल रही थी कि अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं, बोल रही थी कि नानू चले जाएंगे। तो मैं मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलकर आधे को छोड़ने गए थे स्कूल, क्योंकि वो रो रही थी, कह रही थी मम्मी आप भी चलो, तो मैं भी गई थी साथ में। और उसको स्कूल छोड़ के आई, तब वो रो रही थी स्कूल में भी, तो मैं उसको छोड़ कर आई हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड स्कूल के लिए निकले हैं, फिर पापा भी साथ में निकले हैं। पापा यहाँ से जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से कानपुर घर चले गए हैं। और ये जो टेंट कल लगाया है वो उसी आद्या लेटी थी यहाँ रात में, इसी में सो गई थी, फिर मैंने रात को उसको निकाल के अपने साथ लिटाया था, और सुबह उठकर अब खुद लेटी और जबरदस्ती अपने नाना को भी लिटाया इसी में। अब सोचो पापा तो मेरे इसमें आएंगे नहीं, कैसे कर जो घुस गए उसी के अंदर। उस टाइम में सुबह का नाश्ता बना रही थी, तो मैंने बिल्कुल नहीं सूट किया, लेकिन वो चीज सूट करनी थी, मिस हो गया मुझसे। लेकिन नाना और आद्या मेरी, मतलब दोनों लोग, मेरे पापा और मेरी बेटी दोनों लोग इसी के अंदर थे। और आद्या क्या बोल रही थी, हाँ मम्मा नाना छोटे हो गए तो ऐसा बोल रही थी वो। तो चलिए काफी देर हो गई है, आज नेक्स्ट डे है, और मैं अपने वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।